जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुसलमान के घर में 10 बच्चे दिखाने वाले को 11 लाख रुपए पुरस्कार में दूंगा, जितेंद्र अव्वल। ममता राज में CCTV बंद कर EVM बदल रहे थे एडिशनल SP सुमित्र खान ने रंगे हाथों पकड़ा। सीएम योगी की अनुगवाई में उमड़ा पड़ा भगवा जनसैलाब, गुजरा नारा अब की बार 400 पार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुसलमान के घर में 10 बच्चे दिखाने वाले को 11 लाख रुपए पुरस्कार में दूंगा, जितेंद्र अव्वल। जो व्यक्ति मुझे किसी मुसलमान के घर में उसके 10 बच्चे दिखाएगा, उस व्यक्ति को मैं 11 लाख रुपए का पुरस्कार दूंगा। पहले तो ऐसा कहीं भी नहीं है क्या? लोगों में गलत धारणा निर्माण की जा रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, अथवा बौद्ध धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। ऐसा वक्तव्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अव्वल ने दिया है। हमारे 12 चलचित्र के विरोध में आयोजित पत्रकार वार्ता में वे बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग भगवा के ग्रंथों को तहस नहस करना चाहते हैं। कुरान भगवान का ग्रंथ है, इसमें अद्भुत जानकारी विकृत रूप से प्रस्तुत कर चलचित्र बनाने में इन लोगों को आनंद मिलता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को दायित्व से काम करना चाहिए, इस चलचित्र पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ममता राज में CCTV बंद कर EVM बदल रहे थे एडिशनल SP सुमित्र खान ने रंगे हाथों पकड़ा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के विष्णु पूर्व में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई शनिवार को वोटिंग खत्म होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रूम में एडिशनल SP CCTV कैमरे हटाने और EVM बदलने का प्रयास करते हुए पाए गए। इसी बीच विष्णुपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुमित्र खान वहां पहुंचे और एडिशनल SP को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी की हार तय है, इसलिए वह यह सब कर रही है। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर घटना का वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि चौंकाने वाली घटना में विष्णुपुर के एडिशनल SP औपचारिक शिकायत में भेजा गया है। IC के साथ CCTV कैमरे हटाने और EVM बदलने का प्रयास करते पाए गए, तभी हमारे प्रत्याशी सुमित्र खान वहां पहुंचे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ममता बनर्जी चुनाव हार रही है और इसलिए अनैतिक तरीकों का सहारा ले रही है। बता दें कि विष्णुपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है। यहाँ तलाकशुदा दंपति भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर एक दूसरे के सामने हैं। दोनों प्रत्याशी यहाँ की पेयजल समस्या और खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के वादे कर रहे हैं। विष्णुपुर लोकसभा सीट से सुमित्र खान भाजपा उम्मीदवार है, जबकि उनकी तलाकशुदा पत्नी सुजाता मंडल TMC के टिकट पर ताल ठोक रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी की अनुगवाई में उमड़ पड़ा भगवा जनसैलाब, गुजरा नारा अब की बार 400 पार। गोरखपुर महानगर के सबसे व्यस्त 3 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर बुधवार शाम अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार के गगनभेदी नारों के बीच भगवा ज्वार उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजा, डमरू तुरही के धुनों के बीच प्रभु श्री राम, PM मोदी, CM योगी के नाम पर जमीन से गगन तक जाते जयकारों की गूंज ने ऐसा माहौल बनाया है कि चर्चाओं में गोरखपुर लोकसभा चुनाव का परिणाम एक ही तरफ जाता दिखा। बुधवार को कुशीनगर, सलेमपुर, गोरखपुर और बासगांव लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए 4 जनसभाओं को करने के बाद सीएम योगी शाम को गोरखपुर महानगर में रोड शो करने पहुंचे। शाम करीब 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टाउन हॉल तिहारे से शुरू होकर विजय चौराहे पर संपन्न हुआ रोड शो 51 वेद पार्टी विद्यार्थियों के शंखनाद से प्रारंभ हुआ। करीब 3 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो का 41 स्थानों पर विभिन्न व्यापारिक व सांस्कृतिक संगठनों के लोगों व आम नागरिकों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। फरुवाई लोक नृत्य से देशज
लोग भी आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्वीट कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है 10 ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांकी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।